तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं मेथी मठरी बनाने जा रही हूँ। देखो ये मठरी इतने अच्छे से बनके तैयार होंगी। चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलिए। अभी मेथी मठरी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी गेहूं का आटा और एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। एक चम्मच के करीब अजवाइन है। अब मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब मेथी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी हमें इसमें इतना डालना है कि आटा हमारा मुट्ठी में बंधने लग जाए। इससे मठरी बहुत ही खस्ता बनेगी। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, मैंने घी डाला है। ऐसे आटा हमारा मुट्ठी में बंधने लग जाए इतना घी या रिफाइंड हमें डालना है इसमें। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा लगा लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है हमें, इसका सख्त आटा होगा तभी वो करारी करारी बनेगी मठरी। ये मैंने इसका सख्त आटा लगा लिया है। अभी इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। आधे घंटे के बाद इसकी मठरी बनाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, अभी मैं ढक्कन खोल के देखती हूँ। आटे को थोड़ा सा हम एक बार और मसल लेंगे, ज़्यादा चिकना नहीं करना इसको। और अभी छोटी छोटी लोई बना लेंगे इसकी। ऐसे लोई बना के दोनों हथेलियों से दबा के हमें इसको ऐसे ही सेक देनी है। आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं, लेकिन बेलने से ज़्यादा खस्ता नहीं बनती। हाथों से ऐसे ही रखना है इनको। ऐसे ही बना के सभी तैयार कर लेंगे। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, गैस ऑन कर दिया है। मठरी बना रही हूँ तब तक तेल गरम हो जाएगा, हल्का मीडियम गरम करना है। मैंने सारी मठरियाँ तैयार कर ली हैं। अभी मैं इसको तेल में डाल के दिखा रही हूँ। तेल गरम हो चुका है। धीरे धीरे सारी डाल लेंगे हम इसमें। आप ज्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही निकाल के और डाल लें। थोड़ी देर इनको नीचे से सिकने देंगे, फिर थोड़ी देर बाद पलटूंगी। अभी एक तरफ से सिक चुकी हैं, मैं पलट के दिखा रही हूँ आपको। इनको हमें मीडियम आंच पे ही सेकना है। धीरे धीरे इनमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, अंदर तक सिकेंगी ये मीडियम आंच पे। गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे हम इनको। मीडियम आंच रहने दे, ज़्यादा तेज ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे का बटन दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। और ये बड़ी आसानी से रेसिपी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती हैं। आप इनको आराम से घर पे बना सकते हो। मठरियों का कलर चेंज हो चुका है, अभी मैं निकाल लेती हूँ इनको। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, खाने में भी इतनी टेस्टी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करना। आप इनको बना के महीने 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होती।
और जब भी आपका मन करे चाय के साथ सॉस के साथ खा सकते हो। मठरी मेरी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं।